नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो सकते हैं। गोपालगंज के पूर्व डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी करार दिए गए आनंद मोहन जेल में बंद हैं। वो अपनी सजा काट चुके हैं लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई। अब उनके बाहर आने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। उनके जेल से परमानेंट बाहर आने की सबसे बड़ी रुकावट को सरकार की तरफ से अब खत्म कर दिया गया है। गृह विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये कहा गया है कि उनके ऊपर जो डीएम की हत्या का मामला दर्ज था उसे विलोपित कर दिया गया। इससे अब साफ हो गया है कि बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई बहुत जल्द होने वाली है। नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कानून में एक बड़ा संशोधन किया। इसमें राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 क में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सरकारी सेवक की हत्या के दोषी के रिहाई मामले में अब इसे एक साधारण हत्या मानी जाएगी। यानी ऐसे दोषी की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी बल्कि सजा पूरी होने के बाद सामान्य तरीके से रिहाई के प्रावधानों के तहत उनकी रिहाई होगी। इसका बड़ा लाभ अब आनंद मोहन को मिलेगा और सजा पूरी कर चुके आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो जाएंगे। इस संशोधन के बाद आनंद मोहन के परिहार की प्रक्रिया अब आसान हो जाएगी क्योंकि सरकारी अफसर के मर्डर मामले में आनंद मोहन को जो सजा हुई थी और आनंद मोहन जेल में थे। पहले आप ये समझिए कि आनंद मोहन की रिहाई में सबसे बाधा क्या बनी हुई थी। बिहार के रिमिशन की पॉलिसी 1984 में 2002 में दो बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव के तहत 5 कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल था। ये 5 कैटेगरी में ऐसे कैदी थे जो कि मर्डर, डकैती, रेप, आतंकवाद साजिश रचने और सरकारी अधिकारी के हत्या के दोषी होंगे। और आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या की दोषी थे और सजा काट रहे थे। वो इस मामले में 14 साल की सजा काट चुके हैं लेकिन सरकार के इस प्रावधान की वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। नए संशोधन के बाद अब इस कैटेगरी को ही समाप्त कर दिया गया है। इनके कारण आनंद मोहन की रिहाई में जो अवरोध था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उनके जेल से परमानेंट बाहर आने की सबसे बड़ी जो रुकावट बनी हुई थी उसको सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया है। हालांकि उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन पिछले 6 महीने में आपको बता दें कि 3 बार पेरोल पर बाहर आ गए हैं। वो इन दिनों भी बेटे की सगाई को लेकर के जेल से बाहर है। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई की मांग कर उनके समर्थकों में बड़ी खुशी की लहर भी दौर पड़ी है। नीतीश सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई की राह में बाधा जो कानून बन रही थी उसको संशोधित कर दिया है। हालांकि अभी तक सरकार के किसी भी नेता या अधिकारी की तरफ से इस मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। आनंद मोहन जल्द रिहा होंगे इसको लेकर के सीएम नीतीश ने पहले भी इशारा कर दिया था। आपको याद होगा कि पटना के मिलर हाई स्कूल में 23 जनवरी को जब महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन हुआ था, नीतीश जब मंच से भाषण दे रहे थे तो आनंद मोहन के समर्थक की तरफ से रिहा करने की मांग उठी थी। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस संबंध में इशारा किया था। उन्होंने मन से ही इस बात की घोषणा की थी कि वो आनंद मोहन की रिहाई के बारे में सोच रहे हैं, इस पर काम किया जा रहा है और आज सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।